नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बरेली में दमफम में लगाए आग। रायसेन जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। डेढ़ माह में दमफर जलाने की दूसरी घटना घटित हुई है। बीते डेढ़ माह पहले मनकापुर में दो दमफरों में आग लगाए और ड्राइवरों के साथ मारपीट की। हालांकि उस मामले चारों आरोपी जेल में है। इस बात से अपराधियों ने सबक नहीं लिया और रंगदारी वसूलने अज्ञात दो लोगों बरेली थाने के ग्राम भारकच के पास तड़के 3 बजे एक रेत से भरे दमफर में आग लगा दी। बरेली पुलिस घटना करने वाले दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। रायसेन जिले में संचालित रेत खदानों से रेत भरकर ग्रामीण क्षेत्र से निकल रहे दमफरों से ग्राम के असामाजिक तत्व रंगदारी वसूलने की कोशिश करते हैं। कुछ ड्राइवर दर से पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं देते उनके साथ दमफर में आग लगा देते हैं। कल देर रात भी घाट उपरिया से विदिशा रेत भर कर ले जा रहे दमफर में रोड पर पत्थर रखकर दमफर रोका और ड्राइवर से मारपीट की और मोबाइल पैसे छुड़ाकर पेट्रोल डालकर दमफर में आग लगा दी। किसी तरह ड्राइवर ने बरेली पुलिस को सूचना दी, पुलिस फायर ब्रिगेड भेजकर आग बुझाई। आइए जानते हैं क्या कहते हैं SDOP राजीव जांगले बरेली। बरेली संवाददाता आशीष सिंह रजक की रिपोर्ट। सर, भारकच के आसपास कहीं दमफर में आग लगाई है, क्या पूरा मामला है सर? आरोपी पकड़े गए थे। भारकच ग्राम पंचायत क्षेत्र का मामला है, ग्राम कन्हैया पार और गोल, इसके बीच में मध्य रात्रि लगभग 3 बजे डंपर जो घाट पिपरिया घाट से रेत लेके अपना आ रहा था, उसके चालक को रोका, उसके साथ मारपीट करी, घटना घटित हुई और डंपर के केबिन में आग लगाई है। क्या सर ये लूटपाट का मामला है या रंगदारी जिसको कहे ठेकेदार रेत वालों से? ये सब जांच का सब्जेक्ट है। अभी प्रथम दृष्टया तो हमें कहीं ना कहीं इसमें रंगदारी वाली बात दिख रही है। संबंधितों को तलाश, आरोपियों को तलाश किया जा रहा है जो भी इससे संबंधित हो।